बेंगलुरु मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। महालक्ष्मी की हत्या पर जहां उनके पूर्व पति का आरोप था कि अशरफ ने महालक्ष्मी का कत्ल किया है, वहीं अब केस की असल हकीकत सामने आई है। अशरफ नहीं बल्कि मुक्ति रंजन महालक्ष्मी का हत्यारा निकला और उसने 32 नहीं बल्कि महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। वहीं महालक्ष्मी के संदिग्ध कातिल मुक्ति रंजन ने उड़ीसा में आत्महत्या कर ली है। उसका शव एक पेड़ से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि उसने खुद को एक पेड़ से लटका लिया। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने जाते जाते हत्या की बात कबूल की है। 20 साल के मुक्ति रंजन प्रताप रे का शव उड़ीसा के एक गाँव में मिला। आरोपी कातिल मुक्ति रंजन रे कथित तौर पर फरार चल रहा था। स्थानीय पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को इसकी जानकारी दी। बेंगलुरु पुलिस इलाके में संदिग्ध की तलाश कर रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी रंजन मंगलवार को अपने गांव गया था, लेकिन बाद में वह घर से निकल गया और उसका शव गांव के बाहर मिला। तिरंजन के परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जानकारी जुटाने के लिए आगे की जांच जारी है। बैंगलोर का एक गोटे केस जो था, वहाँ पे बैंगलोर में जो रिसेंटली एक लेडी का मर्डर जो हुआ था, तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आए थे। उनका प्राइम एक्यूज्ड भद्रक को बिलोंग कर रहे करके, तो उनको पकड़ने के लिए आए थे। तो वो टीम उसको राउंड अप करके उनका अप्रेहेंड करने से पहले ही वो पर्सन, उसका नाम मुक्ति रंजन राय है, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है बाय हैंगिंग, सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा यह दूसरी थाना में एक यूडी केस रजिस्टर हुआ है और उनका पुलिस पर रेफर ने लिया खत्म करके पोस्टमार्टम करके बॉडी उनका फैमिली को हैंड ओवर किया गया। तो उस डिटेल्स में हम पूरा बैंगलोर पुलिस को जो डिटेल्स है उस हिसाब से हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली चल रहा है। किस केस का कनेक्शन मुंबई में आया था? वहाँ पे जो महालक्ष्मी करके एक लेडी का जो मर्डर हुआ है बैंगलोर में, तो उस केस का कनेक्शन में बैंगलोर का टीम यहाँ के इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। वहाँ पे लैपटॉप कुछ नहीं है, वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है जो एक बुक में लिखा है, और उसके साथ उस सुसाइड नोट में तो माना है कि वो मर्डर उसने किया है करके वो माना है, और एक बैग मिला है और एक स्कूटी मिला है वहाँ पे सुसाइड प्लेस में। इसी के साथ आपको बता दें कि महालक्ष्मी सेल्स वुमेन का काम करती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी रे और महालक्ष्मी साथ में काम करते थे। रंजन रे ने अन्य व्यक्ति के साथ महालक्ष्मी के संबंधों को लेकर नाराजगी जताई थी और शायद इसी के चलते उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया।